Hi friends, namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. So in today's video we are going to talk about seizures, जो दौरे पड़ते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. तो आज हम बात करेंगे seizures के causes, symptoms, जब seizure आता है तो क्या करना चाहिए and क्या नहीं करना चाहिए उस बारे में. And if you are watching this channel for the first time, hi, my name is Aarti. I make vlogs and TV related videos here and other health related videos also because I am a brain and spine TB patient and I share videos on the basis of my experience So hope you guys will press that subscribe button if you're new here and let's get started with the video. So, जो है seizures जो है ये आपकी brain में एक uncontrolled electrical disturbance जब होता है आपकी brain में temporary basis पे तब आपको जो है seizures आते हैं. तो इसके causes के बारे में बात करते हैं. Guys, अगर बाहर से थोड़ी सी noise आए तो आप लोग please adjust करिए क्योंकि I am sitting here since 30 minutes to make a video and बाहर आज मेरे neighbors और बच्चे लोगों की छुट्टी है तो इतनी ज़्यादा हल्ला मतलब मचा रखा है इन लोगों ने कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे भी एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा. तो आप लोग भी थोड़ा सा बाहर से नॉइज आए तो प्लीज एडजस्ट कर लेना. तो इसके जो कॉजेस है, अगर आपकी हेड में इंजरी हो गई होगी, अगर आपकी हेड में चोट लगी होगी तब जो है इंसान को सीजर आते हैं. दूसरा जो है अगर आपकी ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस, मेनिनजाइटिस, ब्रेन टीबी तब भी सीजर आते हैं. बहुत सारे ब्रेन टीबी पेशेंट्स को जो है सीजर आते हैं. अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है तब आपको सीजर आ सकता है. अगर आप अल्कोहलिक हो, बहुत टाइम तक अल्कोहल कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पे एंड सडनली आप अल्कोहल छोड़ते हो तो अल्कोहल विड्रॉल के बाद में भी लोगों को सीजर्स आ सकते हैं. और अगर आपकी बीपी हाई है तो हाई बीपी वालों को भी सीजर आ सकते हैं. एंड इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेस हैं. तो जो सीजर होता है वो मेनली 30 सेकेंड to 2 मिनट्स एक पेशेंट पे लास्ट करता है. जब आपके फैमिली मेंबर में कोई भी किसी को भी सीजर आया तो आप जो है टाइम देखिए क्योंकि जब सीजर आते हैं तब टाइम नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कितने टाइम तक उनको ऐसा दौड़े पड़ रहा है. तो 30 सेकेंड्स to 2 मिनट्स जो है इसका टाइम होता है. एंड अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सीजर आया है. तो सिम्टम्स जो है जर्किंग मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. आपके आर्म्स एंड लेग्स में आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं. ऐसे ऐसे झटके जो इलेक्ट्रिक शॉक से लगता हो. कभी कभी हम ऐसे मतलब वेट हैंड से स्विच प्रेस करते हैं तो एक लगता है ना ऐसा. तो वो तो बहुत नॉर्मल है लेकिन सीजर्स में बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं. इलेक्ट्रिक शॉक जैसे जो झटके होते हैं वो लगते हैं हाथ पैरों में. उसके बाद स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में. बहुत ज़्यादा बॉडी स्टिफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है. अगर हिंदी में बोले तो अकड़ जाती है बॉडी. तो झटके लगते हैं, बॉडी अकड़ जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. आपको जो है आपके पेशेंट जिनको सीजर आ रहे हैं उनको अनकॉन्शियस हो जाता है, उनका माइंड बेहोश हो जाते हैं एंड उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है. एंड जब ऐसे इंसान कोई बैठा हो एंड उनको वहाँ पे सीजर आना स्टार्ट हो जाए तो वो नीचे गिर जाते हैं. तो कुछ सिम्टम्स ये है, जर्किंग मोमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, आपके आर्म्स लेग्स में झटके लगना, बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ जाना, स्टिफ हो जाना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपके होश नहीं रहना पेशेंट में, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होना एंड नीचे सडनली जो है गिर जाते हैं. तो ये है कुछ सिम्टम्स. तो ये है कुछ सिम्टम्स सीजर्स के. एंड जो सीजर्स है वो कैसे डायग्नाइज होता है, ये ईईजी से डायग्नाइज होता है. ईईजी जो कराते हैं उससे डायग्नाइज होता है. तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है एंड वो जब ईईजी करके देखेंगे तो आपको बताएंगे कि आपका कौन सी मतलब क्या कंडीशन है. तो सीजर्स के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें डॉक्टर्स आपको एंटी सीजर्स मेडिसिन देते हैं. और अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो एक छोटी सी जो है इन्वेसिव सर्जरी भी हो सकती है. बट मोस्टली जो है मेडिसिन से ठीक होते हैं क्योंकि जितने भी लोग मैंने देखे हैं जिनको सीजर्स हैं वो मेडिसिन से ही ठीक हुए हैं और ठीक हो रहे हैं. तो एंटी सीजर्स मेडिसिन जो डॉक्टर्स देते हैं उनसे ही पेशेंट जो है ठीक हो जाता है. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स मैसेजेस आते हैं
कि हमारे पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, हम क्या करें, बहुत डर जाते हैं। अगर आप नॉट एक इंसान ऐसे सीजर्स आके ऐसे करने लगे तो जो बाकी इंसान जो है आपकी फैमिली में वो बहुत डर जाते हैं। तो इस हालत में जब आपके पेशेंट को सीजर्स आता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको शांत रहना चाहिए, जो सीजर्स आया है वो 2-3 मिनट में चला जाएगा, तो सबसे पहले काम रहिए। उसके बाद जो है आप को आपके पेशेंट को जहाँ पे सीजर आया है, अगर वो बालकनी में बैठे हैं एंड वहीं पे सीजर आए हैं, तो आप ये ट्राई मत करिए कि उनको बालकनी से उठा के रूम में बेडरूम में ले जाए, नहीं, उनको जहाँ पे सीजर आए उनको वहीं पे रखना है, वहां से जो है उनको मूव नहीं करना है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना है, उनको वहीं पे रखना है। और जो भी आसपास के सराउंडिंग में कुछ चीज़ें हैं, शार्प ऑब्जेक्ट है जैसे नाइफ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो है पेशेंट को हार्म हो सकती है, सर पे लग सकता है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसको वहाँ से क्लियर कर देनी है, और जो भी इंजरीज होने के चांसेस है उसको अवॉइड करना है। तो आपको इंजरीज जो होने के चांसेस होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर पास में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ या फिर कोई भी चीज़ ऐसी रखी हो तो उन सबको आपको हटा के वहाँ पे स्पेस जो है वो क्लियर करना चाहिए। एंड इस टाइम पे जब अगर एक पेशेंट के साथ में दूसरा इंसान है और पेशेंट को सीजर्स आता है तो उनको अकेला नहीं छोड़ना है। जब पेशेंट को सीजर्स आता है बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, उनके साथ ही रहना है। एंड जब उनको सीजर्स आए तो जब सीजर्स आता है कब तक आता है ये टाइम आपको नोट करना है, और नेक्स्ट टाइम जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बताना है कि ये पेशेंट को सीजर 1 मिनट के लिए आया या फिर 90 सेकंड्स के लिए आया या फिर 30 सेकंड्स के लिए आया। तो जो सीजर का टाइम होता है वो भी नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गए डूज। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आपको काम रहना है, पेशेंट को एक जगह पे ही रखना है, जहाँ पे उनको सीजर आए उनको वहीं पे रखना है, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना है, और जो भी आसपास की एरियाज है उनको क्लीन करना है, जैसे नाइफ या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो उसको हटाना है, इंजरीज को अवॉइड करनी है, एंड पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। एंड जो जब सीजर आता है तो उसका आने का टाइम और जाने का टाइम, कितने टाइम तक सीजर्स रहे हैं वहाँ पे उसको जो है नोट करना है। अब बात करते हैं और एक बहुत ज़रूरी बात, जब सीजर्स आके सीजर्स ख़त्म होके जब पेशेंट होश में आ जाता है तो उनको फुल रेस्ट की ज़रूरत होती है। बाहर घूमना फिरना इधर उधर जाना कुछ भी नहीं, उनको फुल्ली जो है बेड में रेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो पेशेंट को रेस्ट कराए, सीजर्स आने के बाद सीजर्स जब चले जाएंगे तो उनको जब होश आएगा तब उनको जो है रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो उनको बाहर अकेले कहीं पे मत भेजिए, बाहर जाना घूमना अकेले कुछ नहीं, आपको जो है रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो पेशेंट को रेस्ट कराइए। सो कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है वो है, डोंट ट्राई टू मूव पेशेंट, ये मैंने पहले भी बताया। एक जगह पे जहाँ पे उनको सीजर्स आते हैं, अगर उनको बालकनी में बैठे बैठे सीजर्स आ रहे हैं तो उनको बालकनी में ही रखें, वहाँ से उनकी जो प्लेस है वो चेंज ना करें, तो उनको कहीं पे मूव ना करें। एंड सेकेंड जो है, जब उनको सीजर्स आते हैं तो कुछ भी अपने पेशेंट को मुंह में मत डालिए, जैसे कॉटन हो गया या फिर उंगलियां, कुछ भी मुंह में नहीं डालना है, पेशेंट को जैसा उसकी हालत है उसको वैसे ही रखना है, वैसे ही छोड़ना है, कुछ भी मुँह में नहीं डालना है। एंड जो अनदर थिंग है, अगर सीजर्स आते हैं, किसी को रेगुलर बेसिस पे सीजर आ रहे हैं तो उनको अल्कोहल जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो है इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सीजर्स, ये सीजर आने के रिस्क को इंक्रीज करता है, तो अल्कोहल जो है इनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना है, मूव नहीं करना है, पेशेंट के मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, एंड जो है अल्कोहल को अवॉइड करना है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग मेरी ब्रेन टीवी की जर्नी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने कैसे ब्रेन टीवी को फाइट किया, कैसे सर्वाइव करें वो सब मैंने दिखाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर वीडियोज ऑन ट्यूबरक्यूलोसिस देन मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस मैनेजिटिस, वहाँ पे आप लोग जो है जाके इट हैज मोर देन 30 वीडियोस ऑन ट्यूबरक्यूलोसिस, तो आप लोग वहाँ पे जाके ट्यूबरक्यूलोसिस की वीडियोस चेक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम आईडी इज कलर्स ऑफ लाइफ 34। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।